Hey guys, welcome back to the channel. और बहुत दिन के बाद आज ब्लॉग बन रहा है. क्यों? क्योंकि क्योंकि अपना टाइम आएगा. नहीं बता सकती क्यों. अरे यार, हम लोग अभी क्या है ना कि घर शिफ्टिंग का सोच रहे हैं. एवरशाइन मलाड बहुत दूर पड़ता है इसके लिए. तो वी आर प्लानिंग टू शिफ्ट टू गोरेगांव और अंधेरी. तो उसके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, घर ढूंढ रहे हैं अभी. और अभी हम लोग रेडी होकर चल पड़े हैं जिम की तरफ. तो जिम में जाके मिलती हूँ. इतने टाइम के बाद वर्कआउट करने का नतीजा ये है. फट गए भाई वर्कआउट करते हुए. ये मिस्टर अभिषेक अभी कहाँ गया? अभिषेक जी टर्न हुई है. इनकी अभी नई नई शादी हुई है और ये बेचारे काम कर रहे हैं. चलो गाइस, वर्कआउट के बाद मिलते हैं. तो जी, वर्कआउट हो गया हमारा और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ. बहुत थक गए भाई साहब आज तो. वाट लगे वाट. चलो गाइस, घर पे पहुँच के फिर मिलती हूँ. आज फुल बॉडी किया हमने. लेग्स, आर्म, शोल्डर सब सब निपटा लिया एक दिन में. चलो चलो घर पहुँच के मानी जल्दी जल्दी जल्दी. इसको वो हो रहा है, ये कॉन्शियस. ऐसे ऊपर छोड़ दो इसको, इधर साइड में रख के रखो. वहाँ बिठाओ उसको अच्छे से. यार इसको पिलाओ ना, पिलाओ ना. हाँ जो भी है अब इधर तो वैसी ही मिट्टी है ना, वही करना पड़ेगा. हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको बड़ी कर दे. अभी देखते हैं. तो रख के आजू बाजू पत्थर से दबा दे, पूरा खड्डा होएगा नहीं. हाँ जितना होता है उतना करो. उसके बाद कबूतर को रख के उसको ढक देते हैं. और क्या करें, रख देंगे ना वही हो जाएगा. दो पत्थर निकले थे देखो हमारे पैर के इधर. आपके पैर के पीछे है पत्थर, तो निकाल दो ना पत्थर. फाइनली उसके ऊपर पत्थर से ढक दो, नहीं तो बिल्लियां स्मेल करके वो खींच के ले जाएंगी. नहीं वो टैंक सा ना बना टुकड़ा, उसको रखने के बाद वो पत्थर दबा. हाँ ऊपर से पत्थर से दबा देना. हाँ. मिट्टी नहीं है बिल्कुल, मिट्टी है ही नहीं इधर. वो सब तो घर का टूट के बना हुआ है. मोटा वाला पत्थर भी रख दो ना जो निकाली थी उसके ऊपर. साइड में दबा दीजिए. हाँ हाँ हाय गाइस. सो अभी हम लोग घर आ गए थे और अभी आपको वीडियो में दिखेगा कि हमने एक वहाँ पे वो था कबूतर था और वो नीचे स्लोली स्लोली वॉक कर रहा था. मतलब वॉक नहीं, वो हिल ही नहीं पा रहा था एक जगह से. तो हमने सोचा कि उसको उठा करके और फटाफट पानी पिलाते हैं पहले, क्योंकि वो मतलब लग रहा था कि बस जल्दी से वो कॉन्शियस मतलब बेहोश हो जाएगा, क्या होगा. तो जैसे ही उसको भैया से वो हाथ में उठाया, वो बेचारा एकदम उसकी जान ही नहीं थी यार. पानी पिलाए पानी पिलाए पानी नहीं पिया और थोड़ी देर बाद उसने अपना दम तोड़ दिया. इतना बुरा लग रहा है. तो फटाफट मैं
मैंने क्या किया कि हमारे बिल्डिंग के पास ही मिट्टी का थोड़ा, मिट्टी की जगह ही नहीं है बॉम्बे में यार, ये लोगों ने हर जगह बिल्डिंग बना रखी है, मिट्टी ही नहीं है जहाँ खोद के, और जैसे कि उसको मेरे को लगा कि उसको मिट्टी में डाल देना चाहिए, उसको अच्छे से गड्ढा करके और वो सब। तो फटाफट मैं ऊपर गई और उसको फिर जहाँ पे जो मिला उसको गड्ढा किया, और थोड़ा गड्ढा होने के बाद उसको वहाँ पे किया डाला हमने उसके वन। इतना बुरा लग रहा है ना, क्योंकि क्या होता है ना गाइस, आप लोग अगर कहीं भी ऐसे देखते हो कि कबूतर या फिर ऐसे कोई भी कोई भी जानवर ऐसे दिख रहे हैं ना आपको, थोड़ा उनकी वो वीक हैं या फिर कुछ भी, तो आप ट्राई करो कि उसको पानी पिला दो कम से कम। हम डॉक्टर के पास भी उसको ले जाते बट उससे पहले ही वो ख़त्म हो गया। तो क्या बताऊँ, बहुत बुरा लग रहा है, बट आपको कभी भी ऐसा मौका मिले तो प्लीज़ आप लोग कम से कम पानी पिलाने वाला कष्ट कर लेना। बस चलो अभी आ गए घर, आज का दिन तो चलेगा ही, अभी खाना खाना है, लंच करने के बाद से शाम में मैं जाऊँगी अपने रिहर्सल में। तो यस, मिलते हैं थोड़ी देर में। बैक, तो जी आ गई हूँ मैं घर, रिहर्सल से वापस आ गई, और अभी बज रहे हैं 11:15 और अभी 10:15 तक रिहर्सल चला, उसके बाद से मैं आ गई वापस और अंधेरी टू मलार, और अब कुछ थोड़ा सैलड खाया है डिनर के लिए, और एक और क्या मंगाया, सैंडविच मंगाया है क्योंकि मेरा कल फास्ट है थर्सडे का, तो अभी सैंडविच खाएंगे और उसके बाद से सोएंगे। भाई साहब आज था दिन टायरिंग, मज़ा आया, ऐसा ऐसे ही दिन रहे, बस पूरे पूरे दिन हम बिज़ी रहते रहे और काम करते रहे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा व्लॉग, और आप लोग को पता ही आप लोग क्या करना है, आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है, और जितने भी आपके घर वाले हैं और उनके दोस्त ऐसे कर करके थोड़ा यार बढ़ाओ यार, अभी फॉलो सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होने चाहिए और व्यूज़ ज़्यादा आना चाहिए और शेयर ज़्यादा होएगा तब ये सब होगा। तो प्लीज़ आप थोड़ा ये मेहरबानी करो, नया नया चैनल है, थोड़ा इसको शुरू से थोड़ा बहुत प्यार मिलेगा तो और हम व्लॉग्स दिन पर दिन बनाते जाएंगे, और मज़ेदार जो भी हमारे लाइफ में होता है वो आपको हम दिखाते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड सी यू इन दिस व्लॉग, लव यू ऑल, स्प्रेड लव।